भाई सभी हमारे साथ एक प्यारे से बच्चे जो कि एकदम ऐसा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, खतरनाक वाला गढ़वाल का ट्रेडिशन है ये हमारा। ए, तेरी तरह देख तेरी तरह नहीं, तेरी तरह यहाँ से सामने की तरफ देखो, हमारे तक क्लियर दिख रहा है एकदम क्लियर, तो ये चेक करो एकदम। तो गाइस ये रहा यहाँ का मंदिर, एंड जो हमारे आस पास सिंपल वगैरह ना वो चढ़ाते हैं एंड टीका वीका लगाते हैं और दर्शन करते हैं माता के, और उसके बाद बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। तो फटका ऐसे भी दर्शन भी हो गए हैं एंड अभी जस्ट निकलो बाहर, तो अंदर ना कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, तो वही अपन नियम का पालन करते हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया अंदर। बट जो बाहर का जो व्यू है ना वो दो तगड़ा वाला है, चेकआउट करो। तो ये चलो भाई सभी हमारे साथ एक प्यारे से बच्चे जो कि एकदम ऐसे कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, खतरनाक वाला गढ़वाल का ट्रेडिशन है ये हमारा, जो पहना हुआ है ना बहुत ही खतरनाक ट्रेडिशन है हमारा। बाय बाय। तो कैसे भी फोड़ेंगे यहाँ पे सिरफल वगैरह। जय माता की। ये सब टूटा ही नहीं यार। वहाँ से सामने की तरफ देखो, हमारे तक क्लियर दिख रहा है एकदम क्लियर, तो ये चेक करो एकदम एकदम साफ दिखा जा रहा है एकदम साफ। वैसे एक मज़े की बात आपको बता दूं कि हमने ना सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं, मतलब इसलिए नहीं खाया क्योंकि कि मंदिर पे आ रहे थे, कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। असल में बात ये हुई कि कल हम शादी में थे, वो घर में नाश्ता था नहीं, तो अपने अपने घर गए, वहाँ पे ऐसे 11 बजे गए, उस टाइम पे नाश्ता सब खत्म हो गया था, तो इसलिए हम ऐसे निकल गए घर से और ना नाश्ता किया ना कुछ किया, ऐसे मतलब सारे रास्ते ऐसे आए, बताओ नॉन स्टॉप चलते रहे, इस तरह भी इतना वेट किया था, उस टाइम पे रुके थे हम, तो बाकी टाइम हम चलते रहे रास्ते। तो अभी फिलहाल यहाँ से यार निकलेंगे, थोड़ा बहुत दिखाता हूँ आपको, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे फटाफट से किसी होटल पे या रेस्टोरेंट पे जाके खाना पीना खाएंगे एंड उसके बाद से तक घर निकलेंगे यहाँ से। तो बहुत बहुत ही यार थकावट फील हो गया आज, चलो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। चलो एंड बैक साइड से ना कुछ ऐसे दिखता है मंदिर, तो ये चेक करिए, ये पीछे का साइड ये है, आगे की साइड मैंने आपको फ्रंट का दिखा दिया, तो पीछे से कुछ ऐसे दिखाई देता है यहाँ से। कभी भी ना यहाँ पे मैगी वैगी खा सकते हो आप, तो यहाँ पे होटल भी है यहाँ पे नीचे के साइड, मतलब इधर से आना है और नीचे के साइड यहाँ पे होटल वगैरह भी है, तो यहाँ पे खाना वगैरह अवेलेबल है। तो भाई सर फिलहाल यहाँ से घर निकलते हैं, बिकॉज 4 बज गए हैं, हमें भाई कम से कम 6 बजे तक घर पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि तो रात हो जाएगी, फिर ऐसे हो रहा है कि यार आजकल वैसे थक रखे, तो नींद रात को भाई ऐसे तगड़ी वाले आने वाले ना, मैं तो घर जाके मस्त स्ट्रेस करूँगा आराम से। तो फटाफट से निकलते हैं एंड लास्ट लास्ट व्यू देख लो यहाँ का, ये सीन है यहाँ से पीछे का, और मैं आगे का दिखाता हूँ आपको, उसके बाद सीधा घर जाएंगे वहीं से। और हाँ, अगर कभी आप यहाँ सुकंडा आते हो ना, तो मैं सजेस्ट ये करूँगा आपको कि अपनी बाइक हो या फिर अपने अगर फोर व्हीलर हो ना, तब आना यहाँ पे, क्योंकि यार ऐसी मतलब अजीब ही है, क्या बताना, अपनी अपनी गाड़ी हो ना तो कभी भी आ सकते हो, ये सीन होता है। जैसे हमारा के ना तो कोई फिक्र नहीं है, आराम से फोटो फोटो खींचे आराम से चले गए, तो ये होता है अपने कभी भी हो ना अपनी बाइक या फिर अपनी फोर व्हीलर जो भी आपके पास है, अच्छा अगर है तो अच्छी बात, नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो अगर है तो अपनी बाइक लेके आना चाहिए हमें, ये हो लास्ट व्यू यहाँ का पूरा पूरा। और अभी हम यहाँ से जाएंगे नीचे। जय माता की। कैसे लगा? भूख लगी नहीं? भूख लगी ना, मेरे को भी लगी यार। रेडी? यहाँ पे तो किसी के जूते उठा सकता है, पता तुझे? नए नए जूते तो कुछ यहाँ पे नए नए जूते पड़े हुए हैं, बट ऐसा काम करना नहीं चाहिए, अम्मा मजाक कर रहा था। तो अभी पहुंचने वाले हैं मेन रोड पे, तो गाइस अभी मैं जाऊंगा रोजी के ऊपर, अब एंटोर्क बहुत चला ली भाई, कहाँ पे रुकना पता है ना तुझे? चंबा में रुक जाइए, ठीक है वहीं पे मिलेंगे हम तुझे। तो चलो हम रोजी के ऊपर चलते हैं मस्त करके। तो गाइस 2 घंटे ड्राइव करने के बाद अभी हम रुके हैं यहाँ पे, तो ये होटल है, तो यहाँ पे अभी खाना खाने के रुके हैं, सुबह से बिकॉज कुछ नहीं खाया तो बहुत भूख लग रही है, बहुत ही खतरनाक वाली भूख, सो खाना खाएंगे एंड उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। सो टाइम कितना हो रहा है?
टाइम 5:00 5:08 हो चुके हैं, तो शायद 6:00 के आसपास ही हम घर पहुंचेंगे। तो यही है सीन। चलो फिलहाल अंदर चलते हैं एंड खाना पीना खाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हाथ धोएंगे। सबसे पहले अमित ब्रो ने तो हाथ धो लिए, अभी हम भी धोएंगे यहाँ पे हाथ एंड उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। इसको पहचान सकते हो, ये लास्ट टाइम मिला था हमें, है ना। ये यहीं पे बंदा रहता है हमेशा। क्यों भाई? ये इसको व्लॉग में लो भाई, इसको व्लॉग में लो। हाय। ये ए तेरी तरह देख। नहीं है तेरी तरह। तो गाइस अभी हमने ऑर्डर कर दिया है, तो अभी हमने करी प्लेन थाली, जिसपे जिसके साथ पता क्या क्या मिलेगा। ये है प्लेन थाली, तो इसके साथ हमें मिलना है सब्जी, रोटी, दाल, कड़ी, राइस, 4 रोटी मिलेगी और सैलेड मिलेगा इसके साथ। तो इसलिए हमने 90 रुपये वाली कर दी ऑर्डर। ये सस्ता भी है, इसमें हमारा पेट भर जाएगा, तो इसलिए काम चलाएंगे हम। तो ये बाकी तो बहुत महंगी है भाई। स्पेशल देखो, और जो स्पेशल थाली है जो इसके साथ, तो वो 170 रुपये की है, 190 100। इसलिए हमने ये चीनी मंगाई, हमने इसलिए प्लेन थाली मंगा रखी है। हमारा काम ऐसे प्लेन थाली में हो जाएगा, तो इसलिए हमने सस्ता मस्ता जो मिला वही मंगा लिया। एंड पूरे होटल में सिर्फ हम ही बैठे हैं यहाँ पे, मतलब ये शाम हो चुकी है, लोग भी लंच टाइम में लंच कर रहे हैं अभी। बताओ यार, बस ये आ चुकी है अपनी थाली एंड अब फिनिश करते हैं इसको फटाफट से, बहुत भूख लग चुकी है। फिर दोनों तो लगे हुए खाने पे। ये है, अब मैं भी खाता हूँ फटाफट से। अब तो गाइस अभी खाना पीना भी हो चुका है एंड मस्त हुए खाना पीना, एकदम मस्त हुए, बहुत भूख लगी थी, बहुत भूख, एंड खाना पीना भी खा लिया। तो अब यहाँ से निकलेंगे, चलो निकलते हैं फटाफट यहाँ से। चलो भाई। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं नरेंद्र नगर में, और यहाँ पे आजकल खतरनाक लाइटिंग लगा दी उन्होंने, तिरंगे वाली लाइटिंग लगा रखी उन्होंने आजकल यहाँ पे। काफ़ी रात हो गया हमें यहाँ पे अंदर। तो गाइस काफ़ी रात हो चुकी है, और नीचे का जो व्यू देख रहे हो ना अभी आप, तो नाइट व्यू कुछ ऐसा दिखता है ऋषिकेश का यहाँ से, तो हल्का हल्का दिखा रहा आपको, दिखा तो ऐसा दिखता है यहाँ से शाम को। ओके गाइस, तो अभी सुबह के बज चुके हैं 9 एंड जस्ट अभी खड़ा होता हूँ बिकॉज मेरे को ये ब्लॉग एंड करना था। एंड हम गए थे सुरकंडा, काफ़ी मज़ा किया, काफ़ी इन्जॉय किया। रास्ते में कई प्रॉब्लम्स आई, बट हमने वो भी चेस करके निकल गए जहाँ जाना था हमें, एंड काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी इन्जॉय, बिकॉज 3 दिन शादी में थे, फिर एकदम से वहाँ गए, फिर थोड़ा थकावट फील तो होती है, बट कोई टेंशन नहीं है, हमें घूमना ही है लाइफ में जो भी है। सो करते हैं फिलहाल इस व्लॉग को एंड। सो इफ यू लाइक दिस व्लॉग, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब प्लीज़। Thanks for watching this vlog. See you coming soon. Bye. Bye.